दिल्ली से हैं अगली कॉलर दयावती जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, वकील साहब। जय हिंद। हाँ पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमने जितनी भी दवाई ली है वो सब रिश्तेदारों में सब में बांटती हूँ मैं, सबको बहुत बहुत फायदा हो रहा है। और तो दूसरी बात भाई साहब, मेरे ना टाइफाइड बुखार हो गया एकदम ही, तो डॉक्टर कह रहा है टेस्ट करवाया, टाइफाइड बुखार हो गया। और एक मेरी भाभी है बड़ी 60 साल की, उनके पैरों में ना वो गठिया बा हो गया और उनको जो है ना बड़ा ऑपरेशन होया है, ये बच्चादानी निकल गई, पिटकी छिली और गर्म तासीर है, उनके लिए भी कोई दवाई बताना आप अच्छी सी। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, टाइफाइड का इलाज वही करिए जो आप कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर का इलाज बहुत अच्छा है वो जो आप कर रहे हैं, लेकिन पूरा करना 7 दिन या 15 दिन तक ये इलाज चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता। और रोज़ाना, क्योंकि ये मर्ज जो है टाइफाइड का, ये आंतों से ताल्लुक़ रखता है, आंतों में गंदगी हो जाती है, इसकी वजह से एक बुखार उत्पन्न होता है जिसे टाइफाइड कहते हैं। तो रोज़ाना आप 1 चम्मच अरंडी का तेल, अरंडी यानी कैस्ट्रोल ऑयल, गाँवों में अरंडी का तेल कहते हैं, कैस्ट्रोल ऑयल, ये सब मेडिकल स्टोर्स पे मिलता है, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पी लिया करिए और उसके ऊपर गर्म पानी पिया करें, और वैसे दिन में 5 बार गर्म पानी पिए तो टाइफाइड इलाज वही करें, लेकिन ये आंतों पे फिर से वही वैसा ही कर देगा जैसे आपकी आंतें पहले थी। तो क्योंकि कीटाणु हो जाते हैं, वो कीटाणु मारने वाली दवाएं वो दे रहे हैं और आंतों को ठीक करने वाली दवाएं मैंने आपको बता दी। आपको बहुत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फीडबैक दिया है, और आप हमारी बहुत पुरानी व्यूवर्स हैं और आप जब फ़ायदा उठाती हैं तो फिर सबको बता देती हैं कि ये दवा इस फायदे के लिए होती है। मैं आपकी बड़ी कदर करता हूं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, ऐसे लोग मेरे लिए बहुत सम्मानीय हैं। अपनी भाभी को आप गोंद स्याह देना, आधा आधा ग्राम सुबह शाम, ये उनके गठिया के लिए अच्छी दवा हो सकती है। उनसे कहिए कि वज़न ना उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला टॉयलेट का इस्तेमाल करें तो उनका भी ठीक होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं ब्रजेश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? कानपुर से ब्रजेश कुमार शर्मा बोल रहा हूँ। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मैम मुझे जो 1 साल पहले जीबी सिंड्रोम करके बीमारी होती है वो हो गई थी, तो मेरे शरीर की पूरी ताकत खत्म हो गई थी। जी कानपुर से बोल रहा हूँ। जी जी आप बोलते रहिए, आप टीवी को मत सुनिए, हमसे बात करिए। हमें जीबी सिंड्रोम की बीमारी हो गई थी, तो मेरी शरीर की पूरी ताकत चली गई थी, तो हम एलोपैथिक वाली दवा कर रहे हैं, अब हम चलने फिरने लगे हैं, लेकिन हमको तकलीफ ये है कि बीपी शुगर ज्यादा रहती है और पेट में गैस बनती है, घुटनों में दर्द रहती है, ठीक ये हमें तकलीफ है। देखिए अपना खूब ख्याल रखा करिए, जो इलाज रह रहे हैं वो लेते रहिए, और बीपी और शुगर ये दो रोगों के लिए एक दवा बता रहा हूँ, और जोड़ों के दर्द के लिए और दवा बताऊँगा। जैतून का सिरका 3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 3 चम्मच रात को खाने के बाद पानी में या अपनी सब्जी सालन में मिलाकर इस्तेमाल किया करें। जैतून का सिरका ये बीपी से तो निजात देता है, और काफ़ी लंबा टाइम लेंगे तो बीपी से छुटकारा भी दिला सकता है, और डायबिटीज़ को कंट्रोल रखेगा, लेकिन वो सब दवाएं भी खाएं जो आपको डॉक्टर दे रहे हैं। और ये गोंद स्याह आता है, काला गोंद कहते हैं, ये असली लेना, नकली बहुत मिलता है, ये खरीद लीजिए कोई 100 ग्राम, अगर असली मिल गया तो काफ़ी होगा आपके रोग के लिए, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, पानी के साथ खाने के पश्चात
दो बार लें तो आपका दर्द भी ठीक होना मुमकिन है। इसी के साथ अगले कॉलर हैं आगरा से, जय भगवान जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बताइए। मेरी बात सुनो जी। जी सुनाइए। मैं हकीम जी से बात करूँगा। जी जी जी, बताइए जनाब, क्या सवाल है? हाँ जी, मेरा सवाल ये है, मैंने गोंसिया मंगवाया था तो एक महीना हो गया मैं खा रहा हूँ, एक सुबह एक चुटकी रात को। जी जी, बोलते रही। तो मेरा जो है सवाल ये है कि मेरा जो सुनपन है और जो है ना, जो मैं चलता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ ना 10-15 मिनट, जी जी, तो ये कूल्हों में दर्द है दोनों में, और ये सुन हो जाते हैं, नीचे तक पैरों तक सुनपन आ जाता है। अच्छा, जब से एक महीने से अब तक क्या फर्क पड़ा है? ज्यादा फर्क पड़ा है, मतलब पहले से मैं बैठा भी नहीं जाता था मेरे से। ठीक है ठीक है। और दर्द होता था, अब मैं चलता फिरता हूँ, ठीक हूँ। ठीक है ठीक है। लेकिन अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ तो ये सारे में सुनपन आ जाता है। मैं समझ गया। और कुछ कहना है आपको? नहीं जी, ये है। हाँ, मैंने वो भी लेनी है, वो पेट की खराबी है मेरे अंदर, पेट सा। ठीक है, चलिए ये सही काम कर रहा है। एक्चुअली आप थोड़ा कम ले रहे हैं, इसकी खुराक है 0.5 ग्राम, यानी 2-2 चुटकी ले लिया करिए, तो और तेज़ी से काम करेगा। और अभी एक महीना हुआ, ये जो आपने लिया है 150 ग्राम लिया होगा आपने, हमारे 150 ग्राम की पैकिंग में मिलता है, तो ये 5 महीने चलता है। अभी एक महीने में आपको अगर 20-30% फ़ायदा, तो 5 महीने में समझ लीजिए आप बिल्कुल अच्छे हो सकते हैं। लेकिन उन बातों का ज़रूर ख्याल रखना जो मैं बार बार कहता हूँ, ये दवा से भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो वज़न नहीं उठाएं, और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, और ज़मीन में ना बैठें। ये 3 बातें आप ज़रूर याद रखें। और पेट की ख़राबी के लिए बड़ा अच्छा नुस्खा है, आप बना लें और इस्तेमाल करें। देखिए, सौंफ, धनिया, सौंफ का दाना, धनिया का दाना, मेथी का दाना, और आंवला सूखा हुआ, ये 100-100 ग्राम खरीद लें, और 100 ग्राम लें, 150 ग्राम, सब 150 ग्राम लें सब चीज़ें, और 150 ग्राम गौंद मोरिंगा सफ़ेद, ये भी नकली बहुत मिलता है, असली लेना आप, इसमें मिला लीजिए, क्योंकि बाकी चीज़ों की आपको पहचान है, इसकी पहचान नहीं, तो असली लें, और पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी के साथ लीजिए, आपके इस रोग में भी फायदा होना मुमकिन है। एमपी से हैं अगले कॉलर राम निवास जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी जी, बताइए, सवाल करिए। अरे, हमारे अलग अलग तरह जो तो ताकत नहीं पड़ती है सर हमारी, और ये लेफ्ट चेस्ट में जो तो एक्सीडेंट हुआ 2015 में, तो नेरों को बहुत तकलीफ होती है। लेफ्ट चेस्ट में आपको तकलीफ होती है? लेफ्ट साइड। ये बताइए, आपको अंदर लगती है या पसलियों में लगती है? हेलो जी जी, पसली में दर्द होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ दिन मेहनत ना करें, वजन नहीं उठाएं, और एक गोंद आता है, गोंद सियाह नाम से, ये काला गोंद कहलाता है, आसान भाषा में काला गोंद, हम लोग गोंद सियाह कहते हैं, ये जायके में बहुत कड़वा होता है, देखने में काला होता है, असली ले लें, और 0.5 ग्राम सुबह 0.5 ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के पश्चात इसको यूज़ करें, आपको फायदा मुमकिन है। दिल्ली से हैं प्राची, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम, मैं मेरी एज 21 ईयर्स है। मैम, मुझे ना ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है। ठीक है, कब से है ये दिक्कत? मैम, ये मुझे हो गया 1.5 साल हो गया। हाँ, तो हमने आपके कस्टमर केयर पे हमने कॉल किया था। ठीक है, उन्होंने हमें बताया कि आप सी केयर ले सकते हो जी। लेकिन हमें डॉक्टर जी से बात करनी है, हम बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि इनसे ही हम बात करके पूछें, बात कीजिए कि हम। हाँ जी,
ठीक है। हाँ देखिए, ये विशेष विशेष तौर पर महिलाओं के लिए दवा है और ये बहुत सारे कामों में आती है। जिन महिलाओं को ये लिकोरिया वाइट डिस्चार्ज की शिकायत हो या जिनको बच्चे नहीं होते उनके लिए, और जिन महिलाओं ज़्यादा सुंदर नहीं होती या चेहरे पे निशानात हो जाते हैं उनके लिए है। लेकिन इसको लें रोज़ाना एक बार या दो बार, एक एक कैप्सूल के रूप में है सी केयर। और इसका तरीका यह है कि दूध में एक चम्मच या दो चम्मच इसबगोल डाल दें और ऐसे हिला दें, मिला दें, और 5 मिनट बाद ये एक कैप्सूल खाएं। और ये पान, ये जो दूध है, इसबगोल की भूसी आती है ना, जिसे जो सब मेडिकल स्टोर पर मिलती है, इसका जो मिला हुआ दूध होता है, इसमें आप इसबगोल की भूसी समझ जाएंगे या किसी से पूछ लेना, हर मेडिकल स्टोर पर मिलती है, उसका मिला हुआ दूध आप रोज़ाना पिए और महीना दो महीना लें तो आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर हैं बालचंद जी, एमपी से, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम जी, बताइए सर, प्रश्न करिए अपना। हमारी मिसेस क्या घुटना दर्द करते हैं। ठीक है, कितने सालों से? वो उनको होगा 1-1.5 साल की में। उम्र क्या है उनकी? देखिए, आपने टीवी का वॉल्यूम तेज कर रखा है, सिर्फ आप हमें उनकी उम्र बता दीजिए। ये हमारी मिसेज के घुटना दर्द करते हैं। उम्र क्या है उनकी? उनको होगा 2 साल। चलिए उम्र का अंदाजा हम कर लेंगे। आप लोग जो टीवी देखकर बात करते हैं तो वो टीवी पर बहुत देर में बात पहुंचती है और फ़ोन पर हम डायरेक्ट बात करते हैं। तो देखिए, उनको एक, अभी मैं बता रहा था कि एक बहुत नुस्खा है बहुत अच्छा, वो एक गोंद की शक्ल में एक चीज़ मिलती है जिसे काला गोंद कहते हैं या गोंद स्याह। स्याह भी काले को ही कहते हैं और काला भी स्याह को कहते हैं। ये इंतहाई कड़वा गोंद होता है और ये लेना असली है आपको, क्योंकि दुकानदार लोग बहुत नकली भी देने लगे, कोई एलवा दे देता है तो कोई कुछ दे देता है और किसी को फ़ायदा ना हो तो मैं ज़िम्मेदार नहीं। असली लेना आपकी ज़िम्मेदारी है। और ये ऐसा दवा मैंने नहीं देखी अपने जीवन में जो इतना अच्छा काम करती है। ये एक रॉ मटेरियल है, आधा ग्राम सुबह खिलाएं, आधा ग्राम शाम नाश्ते और रात के खाने के पश्चात, आप देखेंगे कि अगर आपको 100 ग्राम भी असली मिल गया तो इसके ख़त्म होते होते आपकी पत्नी का रोग मुक्त होना मुमकिन है।